हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास वालों का स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में अपॉइंटमेंट ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं और किस कंडीशन में किया जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि यह ऑप्शन कहाँ पे है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं और किस किस कंडीशन में किया जा सकता है। तो हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं और कोरल, यहाँ से हम आउटलुक ओपन करते हैं, सर्च बॉक्स पे आते हैं और आउटलुक पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, जैसे आउटलुक पे हम क्लिक करेंगे तो आउटलुक पे क्लिक करने के बाद से हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे यहीं पे देखो ऑप्शन आता है न्यू मेल और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू आइटम, न्यू मेल और यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू आइटम। तो अगर तुम सोच रहे हो कि अपॉइंटमेंट सेट करें और रिमाइंडर भी सेट कर लें, तो जैसे हम यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है न्यू आइटम क्लिक करेंगे तो यहीं पे देखो एक है ईमेल मैसेज, जिसके सारे वो मैसेज क्या कर लेते थे, सेंड कर लेते थे। और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है अपॉइंटमेंट। अब जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और इसके लिए शॉर्टकट भी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, मतलब अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाते हैं तो कोई नया हम लोग अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे न्यू मैसेज के लिए, न्यू ईमेल के लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे न्यू अपॉइंटमेंट के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक लो, क्रिएट ए न्यू अपॉइंटमेंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। अब बस हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने बाद से हमारे पास ऐसा इनबॉक्स दिखाई देगा सेटअप। अब देखिए यहीं पे ऑप्शन है पहला सब्जेक्ट, उसके बाद से लोकेशन, उसके बाद से स्टार्ट टाइम, इन टाइम और यहाँ पे टाइमिंग लिखा रहा है। तो चलिए सब्जेक्ट में हमने दे दिया, ये हमारा बिजनेस मीटिंग है तो ने लिखा बिजनेस मीटिंग। और लोकेशन, ये अब किस लोकेशन पे मीटिंग होने वाला है तो हमने बोला कैसे यहाँ। ओके, एड्रेस भी हमने लोकेशन भी बता दिया और यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्ट टाइम, मतलब वो डेट बताइए, वो टाइम बताइए जिस डेट को, जिस टाइम को स्टार्ट होगा। तो सपोज कल के डेट में स्टार्ट होगा 25 को, कब बजे कह रहा है इंड टाइम, मतलब मीटिंग कब तक चलेगा। तो हमने यहाँ पे बताया जा रहा है 25 तारीख का, और उससे ज्यादा तो मतलब 25 तारीख तक ही चलेगा, लेकिन ये मीटिंग चलेगा 11:30 बजे, मतलब 10 बजे चालू होगा और 11:30 बजे खत्म होगा। ध्यान देना, 10 बजे चालू होगा और 11:30 बजे खत्म होगा। तो कुछ ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट में किसका मीटिंग है, किसके लिए अपॉइंटमेंट है, क्यों बुलाया गया है, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या मान लो हमको पासपोर्ट ऑफिस में बुलाया गया है, लिख देंगे क्या पासपोर्ट ऑफिस कहाँ बुलाया गया है, गोरखपुर। ओके, और बस करेंगे क्या, आप टाइप कर लिया और टाइप करने के बाद से ध्यान देना ये भी पूजा ऑल डे इवेंट, अगर मतलब पूरे दिन का मीटिंग है तो क्या कर देंगे हम लोग, हाँ ऑल डे इवेंट कर देंगे, लेकिन एक टाइमिंग है तो हमने टाइमिंग सेट कर लिया और टाइमिंग सेट करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन है सेव एंड क्लोज। क्या है, सेव एंड क्लोज, लेकिन सेव एंड क्लोज करने से पहले हमको रिमाइंडर भी सेट करना होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है और कहा जा रहा है कितने मिनट पहले रिमाइंड करे,
हमने बोला देखो 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, यहाँ पे देखो दिया है सारा। 1 डे, 2 डे, 1 वीक, मतलब पहले से हमारा सेटिंग है क्या इस डेट को इस महीने में आइएगा। तो बड़े बड़े जो व्यापारी क्या होते हैं, या जो डॉक्टर होते हैं, या अदर कोई भी व्यापारी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, तो सबका पहले 1 महीने पहले से अपॉइंटमेंट बुक रहता है कि हाँ इस डेट को मैं यहाँ पे जाना है, इस डेट को यहाँ पे जाना है, इस डेट को यहाँ पे जाना है। तो क्या करते हैं लोग, बड़े बड़े व्यापारी, ठीक है, आसानी तरीके से अपना एक दिन बैठते हैं और जहां जहां पे जिस बिजनेस के बिजनेस से रिलेटेड और जो अपॉइंटमेंट दिए हैं या मेरा है, हम लोग क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं और टाइमिंग सेट कर देते हैं कि कितने दिन पहले हमको रिमाइंड करा दे, क्योंकि सबको भूल जाता है। मतलब 1 हफ्ते के बाद कोई काम करना है, कई लोगों को ज्यादा ज्यादा भूल जाता है और बहुत बिजी इंसान है, तो इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे रिमाइंडर सेट करते हैं। तो मान लो हम सोच रहे नहीं 5 मिनट पहले क्या कर दे, रिमाइंड कर दे, तो अगर मान लो नजदीक है तो कर दे तो अच्छा है, लेकिन मान लो हमको गोरखपुर जाना तब क्या करेंगे, पटना से तो लगभग हमें 3 आवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, आराम से हम लोग चले जाएंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम देंगे, क्योंकि पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, ट्रैफिक लग जाए ज्यादा, तो ऐसा नहीं था मिनिमम टाइम देंगे, मैक्सिमम टाइम देंगे, पहले पहुंच जाएंगे तो और अच्छा है, हम कर देंगे 3 आवर्स और उसके बाद कुछ नहीं करना है और यहाँ से कर देना 7th फ्लोर, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है, और बहुत बिजी शेड्यूल है हमने कर दिया और बस कर देंगे यहाँ पे क्या 7th फ्लोर। देखो सेव भी हो गया और ये क्लोज भी हो गया। अब कई लोग का मन में सवाल ये चल रहा होगा इस तरह, अब आप बताइए कैसे पता करेंगे, आप बताइए कैसे पता करेंगे कि हमारा किस डेट का अपॉइंटमेंट था और किस डेट को जाना था, किस टाइम जाना था। इसके लिए हमें कैलेंडर ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसका, कैलेंडर। तो देखिए यहाँ पे नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा ये टाइमिंग दिखा रहा है, देखो और भी बहुत सारे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया नोट्स, फोल्डर, शॉर्टकट, नेविगेशन ऑप्शन, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे कैलेंडर को ओपन करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले पे कैलेंडर पे क्लिक किए, देखिए बताया भी जा रहा है, जैसे कैलेंडर को ओपन किए तो अपॉइंटमेंट बता रहा है कब है, 25 तारीख को, कब से चालू होगा, 10 AM पे, और कहाँ पे है, पासपोर्ट ऑफिस गोरखपुर। तो देखो मेल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो मेल बॉक्स का इंटरफेस खुलेगा और जो भी अपॉइंटमेंट देंगे बस हम यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक कर देंगे तो बताएगा। आप बताओ ऐसे क्लिक करते दिख रहा कुछ नहीं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखो इसमें और भी ऑप्शन है, टुडे, यहाँ पे देखो टुडे का वो डिटेल सारे बताए जा रहे हैं, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी देख सकते हो ऐसे अगले मंथ का भी। हाँ ओपन करेंगे तो दिखाएगा और आउटलुक को ओपन करके छोड़ देंगे और रिमाइंडर जो हमने सेट किया है 3 घंटे पहले बता देगा। हाँ मैसेज मतलब उसी पे आ जाएगा, उसी कंप्यूटर पे। हाँ किसको भेजना पड़ेगा, हाँ इसको भेज भी सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट हमको कोई देता है तो भेजते नहीं है उसको, अपने कंप्यूटर सेव करते हैं, जब मीटिंग हम अटेंड करवाते हैं तब उसको भेजते हैं, या हम अपनी जानकारी ले रख रहे हैं कि मुझे कल आफ्ताब से मीटिंग करना है, उसके बाद सोनी से मीटिंग करना है, तब तो श्याम से मीटिंग करना है, तब इनसे मीटिंग, मतलब क्या करना है, जो मीटिंग है शेड्यूल हमने रख दिया है कि इस डेट को आपसे मिलेंगे, इस डेट को आपसे मिलेंगे, इस डेट को आपसे मिलेंगे। हाँ नहीं जब आएंगे तो डेली हमको कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा, मतलब जब तक ऑन नहीं रहेगा तो कोई मैसेज नहीं, मतलब जब तक कंप्यूटर हमारा आउटलुक ऑन ना हो तब तक हम मैसेज नहीं पा पाएंगे, रिमाइंडर हमको नहीं देगा, ठीक है ना, मतलब कंप्यूटर हमारा क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, भले मत काम करो बस ऑन होना चाहिए, रिमाइंड कर बता दो, ठीक है। चलो हम एक और दिखाते हैं, बताओ इस बार हमने क्या कर दिया था, एक हमने रिमाइंडर सेट किया किसमें, अगस्त, चल अगस्त में, हाँ चलो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। चलो फिर हम आते हैं और न्यू मीटिंग पे आते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे आने के बाद से क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट दे देते हैं क्या, वही ट्रेनिंग से रिलेटेड है कुछ,
पढ़ रहा हूं ना, क्लास नंबर 3, ठीक है, ब्रेकर बंद किया, उसका डेट, आज का डेट ले लेते हैं, तब क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे 24, कब 2:40 हो रहा है, कर देंगे 45, और 45 चालू होगा और यहाँ तक चलेगा, ओके ना, और रिमाइंडर पे आ जाते और सेट कर देते कितना, हाँ इसका 50 कर दे, 2:50 और यहाँ कर देते 5 मिनट, ओके, और कर देंगे 7 क्लोज। देखिए 24 के डेट में बता दिया ना, देखो यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं, नहीं बता रहा, नहीं अगले मंथ में जा रहा है, तुरंत यहाँ दिखा रहा है, हाँ चाहेंगे तो जंप करके यहाँ पे जा सकते हैं, देखो जंप करें, दो बार क्लिक, अपॉइंटमेंट ओपन हो जाएगा, फिर तो देखिए हम यहाँ क्लिक ओपन हो जाएगा, ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, चला रहे हम लोग, अभी 5 मिनट पहले क्या होगा, हमको रिमाइंड करेगा, ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो जो हमने अपॉइंटमेंट सेट किया है, जो हमने सेट किया है, दो बार क्लिक करते हैं और इसको दूसरे के बाद हमको क्या करना है, हाँ फॉरवर्ड करना है, या इस अपॉइंटमेंट को डिलीट करना है, या उसको कॉपी करना है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं, तो बस हम आएंगे यही पे, देखो फॉरवर्ड ऑप्शन दिया इधर आपको ना, तो हम कर देंगे फॉरवर्ड एज ए कैलेंडर, मतलब पूरे कैलेंडर को क्या कर सकते हो आप लोग, फॉरवर्ड कर सकते हो, फॉरवर्ड पूरे कैलेंडर को नहीं करना आपको, केवल यह डाटा फॉरवर्ड करना, तो क्या करेंगे हमें, आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइमिंग वाइमिंग सब आ गया, कितने केबी का है, किसके पास करना है, मेरे पास करना चाहते हैं, सब्जेक्ट भी आ गया, कर देंगे यहाँ से सेट, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मतलब जब भी फॉरवर्ड करना तो आसानी तरीके से फॉरवर्ड किया जा सकता है, यहाँ पे देखो कैलेंडर ग्रुप में यहाँ पे डेट डेट वाइज यहाँ पे डिटेल बता दिया, तो क्लिक करके यहाँ से कैलेंडर को भी देख सकते हैं, यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे इसी का कॉपी बना सकते हैं, चाहेंगे तो डिलीट कर सकते हैं और चाहेंगे तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, अभी 5 मिनट पहले रिमाइंडर को करेगा, तो इसको थोड़ा सा हम अभी क्लोज करते हैं और आ जाते हैं कहाँ पे, इनबॉक्स, और हम चेक कर ले हमारे पास आया है कि नहीं आया है, अगर सपोज मान लो हमने अपॉइंटमेंट सेट कर लिया, कैलेंडर में ऐड करके दिखा भी दिया, अगर हमको उसमें कुछ एडिट करना है तो बस कैलेंडर पे क्लिक कर, देखो आ गया टिप दे रहा है जी, यहाँ पे देखो हमारे सामने आ गया, हम कोई काम कर रहे हैं, 5 मिनट पहले हमको क्या किया, यहाँ पे रिमाइंड करके बता दिया, हमारे सामने भी आ गया कि ट्रेनिंग मीटिंग है क्या, 2:50 पे, कब, यहाँ पे बता रहा है पटौना क्लास नंबर 3, हमने पढ़ लिया और कर देंगे यहाँ से क्लोज, ठीक है ना, ऐसे हमको रिमाइंड करके बताता है। चलिए हम यहाँ पे, यहाँ पे कैलेंडर पे, और मान लो हमको कुछ एडिट करना है, तो एडिट करना है इसमें, एडिट करना है इसमें, एडिट करना है, देखो बस करेंगे क्या यहाँ पे, हाँ बस यहीं पे दो बार क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करने बाद से यहाँ पे जो भी एडिट करना है एडिट कर लेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे, और चाह रहे हैं डिलीट करना यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, हाँ चाहोगे डिलीट करना तो वहां से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करिए इसी पे, और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिलीट, किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, ब्लू कैटेगरी में, ग्रीन कैटेगरी में, ठीक है फॉरवर्ड करना फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इनवाइट अटेंडेंस के लिए भी कर सकते हैं, क्विकली प्रिंट करना है तो हाँ प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव हो जाएगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं, या शेड्यूल आसानी तरीके प्रिंट भी किया सकता है, इसका इस्तेमाल भी किया सकता है, तो ये हमारे तरीका बताए, डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं, हाँ मीटिंग से रिलेटेड कुछ नोट्स लिखना है तो आप कुछ नोट्स भी लिख सकते हो, उसको नोट्स को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है, क्रिएटिव करिए और यहाँ पे ओके करिए, तो इतना इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर कैसे बनाना चाहते हो, हो जाएगा बाबू, तो ये शेड्यूल है, जूम करके देखना है तो जूम करके देख सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम करके देखना है,
हम आसानी तरीके से कैलेंडर ऐड कर सकते हैं और इसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, अगर कोई पूछे जो हम लोग अपॉइंटमेंट हम लोग सेट कर रहे हैं, अगर मान लो उसका डिटेल देखना हमको, तो कैसे देखेंगे? वो कैलेंडर से ही देखा जा सकता है। अगर कोई दूसरा तरीका नहीं है, जब बस अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे और तुम्हें पता चल जाएगा, मतलब कैलेंडर में ऑप्शन दिया है, बस क्लिक करेंगे और आसानी तरीके से चेक करके देख सकते हैं कि हमारा मीटिंग कब कब है, किस टाइम पे है, क्या अपॉइंटमेंट है और कब से स्टार्ट होने वाला है, और कुछ एडिट करना है एडिट भी किया सकता है, डिलीट करना है तो डिलीट भी किया सकता है। हो जाएगा ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अब देखिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है टुडे, और यहाँ पे नेक्स्ट 7 डे, डे वर्क वीक वीक मंथ, इनका मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो कर देंगे टुडे, तो टुडे का क्या हो जाएगा, शेड्यूल जो है दिखाने लगेगा। अगर कर देंगे नेक्स्ट 7 डे, तो नेक्स्ट 7 डे का शेड्यूल दिखाने लगेगा। देखो पासवर्ड ऑफिस को गायब कर दिया फिर आपको, अगर कर दे वर्क वीक, वीक की सबसे देखना है तो वीक की सबसे दिखने लगेगा यहाँ से। मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज रिपोर्ट दिखने लगे, एक मंथ में कितना है। शेड्यूल व्यू के हिसाब से देखना था, शेड्यूल के व्यू के ट्रेनिंग के हिसाब से देखो शेड्यूल हमने दिया। इस सब का मतलब क्या है, समझ रहे ना? जैसे मान लो कोई कह दे आज का मीटिंग कोई है, तो क्लिक कर दे कहाँ पे, हाँ टूडे पे क्लिक करिए, या डे पे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टूडे पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट 7 डे वाला डाटा देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट 7 डे वाला डाटा मतलब जो नेक्स्ट 7 डे में जो भी रहेगा एक बार दिखा देगा। ठीक है, वर्क वीक और वीक का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ जो छुट्टी माना जाता है, क्या माना जाता है, संडे पे, और डे चलता है ना, यहाँ पे क्लिक करके वर्क वीक डे के हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो हमारा यूएसए है, ये सब कहाँ का, यूएसए का, तो वहां पे 2 दिन छुट्टी माना जाता है, शनिवार और रविवार, 2 दिन आराम करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मंडे से हमें चालू हो तो देखो क्या हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, और देखो सैटरडे और संडे गायब हो गए, मतलब वहां पे 2 दिन आराम करते हैं, 2 दिन काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से बता रहा है, बिग डे के हिसाब से देखो, आप बिग डे भी दिखा रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, फिर आपको ना हमारा भी यही तो है ना, संडे को छुट्टी रहता है। लेकिन यूएसए में वर्क वीक जो होता है उनका कितना दिन होता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, तो यही वजह से हम क्लिक किए, यहाँ बता रहा है कहाँ से कहाँ तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, जो भी कैलेंडर ऐड किए हैं, अपॉइंटमेंट दिए हैं, ठीक है, वो सारा का सारा हम लोग शेड्यूल वाइज चेक कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे ही किया जाता है, हम ना बिजी नहीं है ना, बड़े बड़े जो लोग हैं वो एक एक मिनट का वैल्यू है कि बाबू हमारा अपॉइंटमेंट 1 घंटे बाद कहाँ पे है, 1 घंटे के बाद कहाँ पे, 1 मिनट के बाद कहाँ पे है, यहाँ पे क्या मैटर है, किससे मीटिंग है, वो सारा ऐसे ही शेड्यूल करके दिया जाता है। देखो यहाँ पे बता भी दिया, नाउ स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैसेज भी दे दिया हमको, चलो क्लोज कर दिया, दौड़े दौड़े कंप्यूटर बंद करके जाएंगे मीटिंग में, पता चला छूट गया, इसलिए 5 मिनट 10 मिनट पहले, मतलब अगर 1 घंटा में जाने वाला तो क्या करेंगे, हम लोग 1.5 घंटा पहले रिमाइंड सेट करेंगे, 5 मिनट पहुंचे वाले हैं तो 10 मिनट सेट करेंगे, कि रास्ते में कोई दिक्कत हो तो भी आसानी तरीके से, लेट लेट होके तो भी हम टाइम से पहुंच जाए। तो यह तरीका है, आप आसानी तरीके सेट कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, इसके लिए कुछ शॉर्टकट भी दिए, उसको नोट क्या करना है, क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वन, यहाँ से क्लिक करें यहाँ पे कहीं पे, ओके। अगर फिर से हम यहाँ पे क्या करना है, वर्क वीक के हिसाब से देख रहे, कंट्रोल ऑल्ट टू, और वीक के हिसाब से 3, मंथ के हिसाब से कंट्रोल अल्ट 4, और शेड्यूल के हिसाब से कंट्रोल अल्ट 5, कंट्रोल अल्ट 1 2 3 4 5, हाँ बढ़ा दो। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने आज की क्लास में सीखा, कैसे अपॉइंटमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके, और किसी बिजनेस रिलेटेड या हमारा नजदीक हो या बहुत दूर हो, हम कैसे सेट करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।